लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आज दिनांक 29 तीन 2020 को छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री टी एस सिंहदेव ने एम्स के डायरेक्टर नितिन नागरकर से कोरोना वायरस के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी ली और कई मुद्दों पर चर्चा की। बता दें कि मुंबई से लौटने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने खुद को होम आइसोलेशन पे रखा हुआ है और इसी दौरान उन्होंने एम्स के डॉक्टर से बात की। श्री सिंहदेव जी ऐसे ही लगातार दिन रात स्वास्थ्य अधिकारियों व विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं। एक बार पॉजिटिव आने के बाद उसको सर हमने ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे डाला हुआ है, जिसमें रूटीन केयर के अलावा एजिथ्रोमाइसिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। नेक्स्ट फ्यू डेज में वी शुड स्टार्ट। आई थिंक देयर बेसिक कंडीशन वुड बी फाइब्रोसिस। नहीं सर, कोई पेशेंट नहीं है, लेकिन आगे आ सकता है, वो खतरा हमेशा बना रहता है जी। तो इन थिंक ऑफ द वर्स्ट केस, तो सर एज ऑफ नाउ हम लोगों ने जो डेडिकेटेड लगभग 200 बेड का अपने पास एक अलग से व्यवस्था बिल्डिंग तैयार है, जिसमें अभी भी काम चल रहा है। इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री ने एक चिट्ठी के माध्यम से सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों, राज्य नौकरशाही के सभी सदस्यों, पुलिस कर्मियों व मीडिया कर्मियों से आग्रह किया कि अभी अचानक राज्य में सर्जिकल मास्क N95 मास्क की मांग बढ़ गई है और इसका अंधाधुंध इस्तेमाल देखने को मिल रहा है, जिसकी जरूरत आने वाले समय में राज्य भर के विभिन्न अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल टीमों के लिए जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि उनका सामना सीधे संक्रमित व्यक्तियों से हो सकता है। इसलिए सभी लोगों से अपील है कि आप इन चीजों का इस्तेमाल तब करें जब आप में संक्रमण के लक्षण दिखाई दें या सर्दी खांसी जैसे लक्षण दिखाई दें, और अन्यथा घर पर बने कपड़ों के मास्क का इस्तेमाल करें, जिन्हें बाद में साबुन या डिटर्जेंट से धोया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री के इस लेटर से कहीं न कहीं आशंका जताई जा सकती है कि मामला आगे और भी भयंकर रूप ले सकता है, जिसके लिए युद्ध स्तर की तैयारी करनी ही पड़ेगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्लिपर 28 के साथ। धन्यवाद। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।